हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में आप गल करेंगे कि आप पंजाब लाभपात्री कार्ड घर बैठे किमें बना सकते हैं तो इसकी पूरी डिटेल की डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है। ओके दोस्तों तो एक रिक्वेस्ट है वीडियो में पूरा देखियो, जो पूरा नहीं देखोगे तो प्रोसैस समझ ही नहीं आएगा तो फिर तुम्हें तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस तो पहले सा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो जो थोड़े लिए थोड़ी जी भी बेनीफिशियल वीडियो लगती है। तो दोस्तों अपना सबसे तो पहले अपने मोबाइल में जाके सेम आह टाइप करना जो मैं टाइप किया हुआ है www.punjab.gov.in। सर्च करने तो बाद जो फर्स्ट लिंक होगा अपना इतने शो कर रहा है इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद इस तरह की साइट अपने सामने ओपन हो जाती है। ओके दोस्तों साइट ओपन होने तो बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो साइट ओपन होने तो बाद नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो इतने आप चेक कर सकते हैं येलो बॉक्स में वर्कर रजिस्ट्रेशन तो आप क्लिक कर लेंगे। तो इस विच पहले इन्होंने पूरी डिटेल दसी हुई है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप इसमें रीड कर लेने की इन्होंने जो शर्त रखी है कि तुम उस अधीन आँदे हो, जे नहीं आते तो इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, जे इस अधीन आने हो तो इस जरूर अप्लाई कर दो। ओके दोस्तों तो पहले आप लाइन भी चेक करिए कि इस विच लिखा है कि वो जो वर्कर अप्लाई कर रहा है लाभपात्री कार्ड वास्ते वो मिनिमम 90 दिनों तो लैके 12 मंथ तक पंजाब विच एज ए वर्कर काम करता होना चाहिए है, तो जिसकी एज लिमिट 18 तो 60 साल होनी चाहिए है। ओके दोस्तों इस फीस की गल दसी गई है कि कई बार जो बीच वाले बंदे होंगे वो ज़्यादा फीस पे कर लेंगे है, तो इतने इन्होंने साफ मैनशन किया है कि इसकी फीस 25 रुपये है तो 10 रुपये इसकी मंथली फीस मतलब कि मंथली चार्ज करते एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके दोस्तों तो इसका जो कार्ड का पीरियड है भाई किन्ने टाइम तक ये एक्टिव रहा, 1 साल तो लैके मैक्सिमम 5 सालों तक ये एक्टिव रहा है। वो दोस्तों अगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल कर लिए जो वर्कर है वो अनऑर्गनाइज वर्कर होना चाहिए, मतलब किसी कंपनी विच नहीं लगे होना चाहिए, जो रेगुलर कंपनी होंगी है पे स्केल से नहीं लगे होना चाहिए, उसकी एज लिमिट 18 तो 40 साल होनी चाहिए है। तो मंथली इनकम की गल करिए 15 हज़ार तो नीचे उसकी इनकम होनी चाहिए है। तो अगे जो नोट एलिजिबल है इस अपला फॉर्म वास्ते कि बस वही जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच काम ना करता हो तो इनकम टैक्स ना भरता हो वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो जरूरी डॉक्यूमेंट की गल करिए तो आधार कार्ड होना चाहिए अपने को, सेविंग अकाउंट जनधन अकाउंट का नंबर IFSC कार्ड IFSC नंबर होंगे है दोस्तों उसके उपर जो अकाउंट की बुक कापी होंगी उसके उपर। तो इसमें प्रोसैस का तरीका इन्होंने दस है कि तुम अप्लाई करने सिर्फ अपने CSC जा सुविधा केंद्र में अप्लाई कर दो। यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगे तो कि फोन पर किमें अप्लाई करना है दोस्तों, ये कोई साइट बनाई नहीं है जो कि घर बैठा बंदा अप्लाई कर सके, सिर्फ CSC सेंटर या सुविधा केंद्र तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके दोस्तों जो तुम्हें फिर भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है तो वीडियो में कमेंट करो तो मैंने दसो जिनी हेल्प हो सकी मैं जरूर करूँगा। बाकी देखो इन्होंने उसे पूरा चार्ट भी दिता हुआ कि किमें स्टैप बाय स्टैप किमें अप्लाई करना है। ओके दोस्तों।